दोस्तों, अगर आप स्पोर्ट्स के फैन हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स कैन को और दबाई उस बेल आइकन को ताकि आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड न्यूज मिले सबसे पहले। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2022 का महामुकाबला आज भारत और जिम्बाब्वे टीम के बीच मेलबर्न के शानदार स्टेडियम में खेला जा चुका है। दोस्तों, ये मुकाबला एक तरफा मुकाबला खेला गया था, जिसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि टीम इंडिया ने टॉस का पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, जिसमें हमें टीम इंडिया की तरफ से बहुत ही शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली थी, जिसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 जो कि वो हमें इस महामुकाबले में खेलते हुए दिखी थी। तो अभी आप स्क्रीन पे देख पाओगे टीम इंडिया की प्लेइंग 11। तो चलिए अब देख लेते हैं इस मुकाबले की फुल हाइलाइट्स। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें टीम इंडिया की बल्लेबाजी के बारे में, तो हम आपको बता दें कि हमें टीम इंडिया की तरफ से ओपनर्स में देखने को मिले थे शानदार बल्लेबाज केएल राहुल, जबकि दूसरे नंबर पे आते रोहित शर्मा, जिसमें हम आपको बता दें कि आज के महामुकाबले में हमें केएल राहुल की तरफ से बहुत ही शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली है, जिसमें हम आपको बता दें कि राहुल ने इस मुकाबले में 35 बॉल खेली, जिसमें 3 चौके जबकि 3 शानदार छक्के की मदद से 51 बनाए थे, लेकिन बाद में कि उनका विकेट सिकंदर राजा ने ले लिया था। वहीं बात की रोहित शर्मा की, तो हम आपको बता दें कि रोहित शर्मा आज के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए, जिसमें हम आपको बता दें कि उन्हें आज के मुकाबले में 13 बॉल खेली, जिसमें 2 शानदार चौके की मदद से 15 रन बनाए थे, लेकिन बाद में कि उनका विकेट मुजर बानी ने ले लिया था, जिसके बाद हमें शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली थी विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की तरफ से, जिसमें हम आपको बता दें कि विराट कोहली ने इस मुकाबले में 25 बॉल खेली, जिसमें 2 शानदार चौके की मदद से 26 रन बनाए थे, लेकिन बाद में कि उनका विकेट शेन विलियम्स ने ले लिया था, जिसके बाद हमें शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली थी सूर्य कुमार यादव की तरफ से। तो हम आपको बता दें कि उन्हें इस मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से सबसे अच्छी बल्लेबाजी करी है, जिसमें हम आपको बता दें कि यादव ने इस मुकाबले में 25 बॉल खेली, जिसमें 6 चौके जबकि 4 शानदार छक्के की मदद से 61 रन बनाए थे। इसी के साथ ही हम आपको बता दें कि वो इस मुकाबले में नॉट आउट रहे थे। वहीं बात की ऋषभ पंत की, तो हम आपको बता दें कि आज के मुकाबले में पंत ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए, जिसमें उन्हें 5 बॉल खेली, जिसमें 3 रन बना सके, लेकिन बाद में कि उनका विकेट शेन विलियम्सन ले लिया था। वहीं बात की हार्दिक पांड्या की, तो हम आपको बता दें कि पांड्या ने इस मुकाबले में 18 बॉल खेली, जिसमें 2 चौके की मदद से 18 रन बनाए थे, लेकिन बाद में कि उनका विकेट नगावारे ने ले लिया था, जिसके चलते टीम ने 20 ओवर में 186 रन बना लिए थे। दोस्तों, अगर आपको भी इस मुकाबले की फुल हाईलाइट देखनी है तो भी आप डाउनलोड कर लीजिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप को, वहाँ पे आपको इस मुकाबले की फ्री हाईलाइट देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपके मुताबिक कौन सी टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी जीतने वाली है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में।